आज की इस वीडियो में हम लहंगे के साइड में जिप अटैच करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लहंगा स्टिच करा है, इसके साइड में हम ये जिप अटैच करने वाले हैं। तो ये हमने इनविजिबल जिपर ली है। इस तरह की जिप आपको स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। जब भी आप लहंगे पर जिप अटैच करें तो इसका आप खास ध्यान रखें कि आपको लहंगे के मैचिंग की जिप लेनी है। यह आपको हर कलर में मिल जाएगी। इस तरह की इनविजिबल जिप ही हम लहंगे के साइड में अटैच करते हैं। तो ये दो साइज में आती है, एक बड़ी साइज आती है, एक छोटी साइज आती है। तो ये हमने छोटी साइज ली है, ये हम लहंगे के साइड में अटैच करने वाले हैं। ये लहंगा हमने स्टिच कर लिया है, साइड की सिलाई भी हमने लगा ली है और एक साइड से हमने इस पर बेल्ट भी स्टिच कर लिया है और थोड़ी थोड़ी सिलाई हमने खोल ली है बेल्ट की जिप अटैच करने के लिए, जिससे कि जिप आसानी से अटैच हो जाए। देखिए, इस साइड से हमने थोड़ी सी सिलाई खोल ली है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा मार्जिन भी रखा है जिप अटैच करने के लिए। लगभग आधा इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है, तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इस पर जिप अटैच करेंगे। दूसरे साइड भी हमने ऐसे ही बेल्ट की थोड़ी सी सिलाई खोल ली है और यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। जिप अटैच करने से पहले आप लहंगे पर साइड की सिलाई लगा लें और जितनी दूरी में आपको जिप अटैच करनी हो उतना पार्ट आप ओपन छोड़ दें। तो देखिए, हमने लहंगे में साइड की सिलाई भी लगा ली है। अगर आप रेडीमेड लहंगे में जिप अटैच करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बेल्ट की थोड़ी सी सिलाई खोलनी पड़ेगी और जिप अटैच करें उतनी दूरी में आपको साइड से भी लहंगे की सिलाई खोलनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं जिप अटैच करने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से पहले निशान लगा लें और उसके बाद में जिप अटैच करें। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो सिलाई लगाई है और ऊपर की तरफ हमने जो मार्जिन छोड़ा है, इस मार्जिन पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों साइड हम इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमें अंदाजा रहेगा कितना कपड़ा हमें अंदर की तरफ दबाना है। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तो फिनिशिंग के साथ जिप अटैच हो जाएगी। तो देखिए, हमने दोनों साइड मार्जिन पर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, इतने कपड़े को हमें अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर जिप अटैच करनी है। दूसरे साइड से भी हम इतना ही कपड़ा अंदर की तरफ दबाएंगे। अब हम इस पर ये जिप स्टिच करेंगे। जिप स्टिच करने के लिए आपका जो नॉर्मल प्रेशर फुट होता है सिलाई का, उसे आप हटा दें। तो ये हमने नॉर्मल प्रेशर फुट हटा दिया है और अब यहाँ पर हम जिपर फुट लगाने वाले हैं। तो इससे फिनिशिंग के साथ में जिप अटैच हो जाती है। इस तरह का प्रेशर फुट आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा स्टिचिंग मटेरियल की शॉप पर। ये हमने जिपर फुट अटैच कर लिया है। अब हम इस पर जिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो मार्जिन की लाइन ड्रॉ करी है, इतने कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। और जिप को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो जिप का राइट साइड हमने बाहर की तरफ ही रखा है, इसे हम बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने जो साइड की सिलाई लगाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड के कपड़ों को हम इस तरह से रखेंगे, दोनों साइड फैला के रखेंगे और बराबर से इसके जिप के ऊपर इस तरह से हमें रखना है। हम आपको पास से दिखा देते हैं, जिससे कि आपको सिलाई अच्छी तरह से दिखाई दे। जिप पर सिलाई लगाते समय जल्दीबाजी ना करें, आराम से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों साइड के कपड़ों को हमने इस तरह से रखा है और बीच की जो सिलाई है, इस सिलाई को हम जिप के सेंटर में बराबर से मिला के रखेंगे। अब हमने जो साइड की सिलाई लगाई है, इसके थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें सिलाई लगानी है। देखिए, ये हमारी साइड की सिलाई है, तो लगभग आधा इंची हमने नीचे की तरफ तक यहाँ पर सिलाई लगाई है जिप पर। अब हम सुई को कपड़े के अंदर की तरफ रखेंगे। तो देखिए, हमने सुई को कपड़े के अंदर की तरफ रखा है। अब हम प्रेशर फुट को ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ से कपड़े को हम इस तरह से घुमाएंगे। तो सुई को अंदर की तरफ रखेंगे तो जिप यहाँ से हिलेगी नहीं, यहीं पर सेट रहेगी। अब दूसरे साइड का जो मार्जिन है उसको हम अंदर की तरफ दबाएंगे इस तरह से,
और इसे हम जिप के ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। दोनों साइड के कपड़ों को हम मिला के रखेंगे और यहाँ से हमें इस पर सीधी सिलाई लगानी है। रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को अच्छी तरह से लॉक करेंगे। अब यहाँ से फिर से हम सुई को कपड़े के अंदर की तरफ रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने सुई को कपड़े के अंदर की तरफ रखा है। अब हम प्रेशर फुट को उठाएंगे और कपड़े को हम इस तरफ घुमा लेते हैं। सुई को अंदर की तरफ रखने से ये जिप यहीं पर सेट रहेगी, हिलेगी नहीं। अब इस साइड से जो हमने मार्जिन की लाइन ड्रॉ करी है उस कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसे हम बराबर से मिला के रखेंगे। दोनों साइड के कपड़े हमने मिला के रखे, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने कपड़े को मिला के रखा है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो जिप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से हम कपड़े को मिलाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। जिप पर सिलाई लगाते समय आप रनर का खास ध्यान रखें। सिलाई लगाते समय रनर को आप साइड में कर दें जिससे कि ये सुई के नीचे ना आए। अगर रनर सुई के नीचे आ जाएगा तो सुई टूट सकती है। तो यहाँ पर हम रनर को साइड में इस तरह से पकड़ के रखेंगे और जिप पर सिलाई लगाएंगे। ये हमने जिप पर सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में ये जिप अटैच हो गई है। अब हमने बेल्ट की जो सिलाई खोली थी वो हम लगा लेते हैं वापस से। इसी तरह से आप रेडीमेड लहंगे में भी जिप अटैच करने के बाद में बेल्ट की सिलाई फिर से लगा लें। बेल्ट के दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ में ये जिप यहाँ पर अटैच हो गई है। ये हमने पूरा बेल्ट स्टिच कर लिया है और फिनिशिंग के साथ में हमने साइड में जिप भी अटैच कर ली है। इसी तरीके से आप रेडीमेड लहंगे में या फिर घर पे स्टिच करें उस लहंगे में साइड में जिप अटैच कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।